वनकम धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हालांकि इस बिल का समर्थन करती हूँ और रद्द की गई परीक्षाओं से पीड़ित प्रत्येक अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति रखती हूँ, लेकिन आज मैं इस विधेयक के कुछ मुद्दों पर आपका ध्यान लाने के लिए खड़ी हूँ। विधेयक की आवश्यकता राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक के बाद भर्ती परीक्षाओं, हरियाणा के में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET, गुजरात और बिहार में सिपाहियों की भर्ती और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ है, जिसके चलते जूनियर क्लर्कों के लिए परीक्षा भर्ती सहित कई प्रतियोगी सार्वजनिक परीक्षाओं को रद्द करने की पृष्ठभूमि पैदा हुई है। कई समाचार पत्रों के रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2023 तक पेपर लीक से 1.4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक से 70 से अधिक मामलों ने हजारों इच्छुक उम्मीदवारों का भविष्य बर्बाद किया है और साथ में उनके आर्थिक शोषण भी किया है, क्योंकि बार बार परीक्षा लीक होने के लिए और बार बार परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए जो गरीब अभ्यर्थी हैं उनके पास धन उतना नहीं होता, वो लोन लेकर किसी से उधार लेकर परीक्षा का फॉर्म भरते हैं। तो मैं सरकार से ये मांग भी करती हूँ कि जब परीक्षा इस तरह से लीक हो जाए या पेपर आउट हो जाए या किसी कारणवश परीक्षा रद्द हो जाए तो उन अभ्यर्थियों का पैसा भी वापस किया जाए। बिल पर गौर करें तो धारा 3 सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधन समझे जाने वाले कार्यों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रश्न पत्रों के लीक होने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ तक शामिल है। हालांकि मैं इस तरह की कार्रवाइयों की निंदा करती हूं, लेकिन यह पहचानना भी आवश्यक है कि इन कदाचारियों का मूल कारण बहुत बड़ी प्रणालीगत निफलता है। हाल के वर्षों में पेपर लीक, सामूहिक नकल या प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़, किसी भी रिपोर्ट के बिना सार्वजनिक परीक्षा का सफल संचालन आदर दुर्लभ हो गया है। इसके अतिरिक्त हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां परीक्षाओं में सफल होने का दबाव बहुत अधिक है, जो अक्सर देश में प्रचलित निजी क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार के गंभीर परिणामों से प्रेरित होता है। यह चिंताजनक प्रवृत्ति हमारे शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत विफलताओं के बारे में बहुत कुछ बताती है, जिसे विधेयक पर्याप्त रूप से संबोधन करने में विफल है। इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार की घटनाएं पर बिना सोचे समझे की गई प्रतिक्रियाओं में के हानिकारक प्रभावों को उजागर करती है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करने के बावजूद कि कदाचार के अलग अलग मामलों के कारण पूरी परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी जाए, कई राज्यों ऐसे कठोर उपायों का सहारा ले रहे हैं। परीक्षाओं को अंधाधुंध रद्द करने से न केवल निर्दोष उम्मीदवारों को गलत तरीके से दंडित किया जाता है, बल्कि इच्छुक उम्मीदवारों की पहले से ही अनिश्चित स्थिति भी बढ़ जाती है। एक उम्मीदवार की दुर्दशा पर विचार करें तो किसी परीक्षा को मनमाने ढंग से रद्द करने या देरी के कारण पात्रता इंक्लूड कीजिए, करिए मैम एक मिनट में निर्धारित पात्र के निर्धारित आयु सीमा को पार कर जाता है। कई उम्मीदवारों के लिए इन परीक्षाओं में शामिल होना बेहतर भविष्य हासिल करने का उनका आखिरी मौका है। नकल और कदाचार के कारण बेरोजगारी भी आजकल बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी का आलम यह है कि अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि नौकरियां मिशन मोड में दी जा रही हैं। मैं इसका समर्थन करती हूं, लेकिन जो नौकरियां मिली हैं वो सीमित समय के लिए मिली हैं या तो आउटसोर्सिंग से मिली हैं, जबकि राज्यों में और केंद्रों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि एक स्पेशल अभियान चलाकर इन खाली पड़े हुए पदों को भरने की कोशिश की जाए, ताकि जो बेरोजगारी है उसे कम किया जा सके और इस परीक्षा में जो इस तरह के कार्य हो रहे हैं उस पर दंड प्रणाली और सख्त की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद श्री संजय सेठ जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपका जोहार। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्ष और सदाचार मुक्त